हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में होने वाला पहला टेस्ट मैच के बारे में। अगर टाइमिंग की बात किया जाए तो 1:30 बजे खेला जाएगा भाई। अगर सीरीज़ की बात किया जाए तो ये सीरीज़ का नाम है वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, और वेन्यू यहाँ पर सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में खेला जाएंगे। तो ये मैच बहुत रोमांचक रहेगा भाई। टेस्ट मैच है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए। तो साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये मैच। वेस्ट इंडीज़ तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए अभी भी कुछ चांसेस है, लेकिन इनको जीतना पड़ेगा भाई। तो साउथ अफ्रीका यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत हाई है। क्यों है भाई, ये आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो वेस्ट इंडीज़ टीम में कौन कौन सा प्लेयर स्ट्रांग है ये भी हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं पिच रिपोर्ट, टीम फॉर्म, हेड टू हेड इन दोनों टीम के बीच कितने बार हुई, प्लेयर्स के क्या स्टार्ट है, सब कुछ एनालिसिस हम लोग पूरे डिटेल से करेंगे भाई। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आप देखते हैं। तो भाई पिच रिपोर्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग टेस्ट मैच की रिपोर्ट बता रहे हैं भाई। है पिच रिपोर्ट में तो इस पिच पे 27 मैच खेले गए। तो यहाँ पर पहला बैटिंग करने वाली टीम 12 बार, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 11 बार, मतलब 23 बार हुआ भाई, और 4 मैच ड्रा हुआ। पहला इनिंग, सेकंड इनिंग, तीसरा इनिंग और चौथा इनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला इनिंग और दूसरा इनिंग का स्कोर अच्छा जा रहा है, लेकिन और यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ इनिंग्स में अगर बात की जाए स्कोर घट रहा है, जिसका मतलब है भाई यहाँ पर तीन से लेके थर्ड डे से लेकर फिफ्थ डे तक पिच यहाँ पर बॉलर्स के लिए ज़्यादा मदद मिलेगा। ये जो पिच है भाई बॉलिंग पिच है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। हाईएस्ट स्कोर अगर बात किया जाए तो इस पिच पे 621 रन बनाए भाई साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के बीच में ये मैच हुआ था। लोएस्ट स्कोर की बात किया जाए तो 101 रन पर ऑल आउट हो गया। तो ये रहा भाई पिच रिपोर्ट। उसके बाद अगर बात किया जाए तो लास्ट 5 मैचेस ऑन दिस वेन्यू की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच में भी ये मैच हुआ था। तो ये मैच में इंडिया 113 रन से जीते थे। उसके बाद श्रीलंका और यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बीच में खेले थे, ये मैच ड्रा हो गया भाई। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर इस पिच पे ज़्यादा रन बनाए। उसके बाद साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के बीच में, साउथ अफ्रीका ये मैच 107 रन से जीते। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका यहाँ पर जीत गए। तो यहाँ पर ज़्यादातर साउथ अफ्रीका जीत रहे हैं भाई इस पिच पे। इनका रिकॉर्ड्स काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हर मैच जीतने की एबिलिटी रख रहे हैं। यहाँ पर एक मैच हारे हैं लास्ट 5 मैच में और एक मैच ड्रा हुआ भाई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये टीम जीतने की चांसेस बहुत हाई है। ये पिच पे इनका जो होम एडवांटेज है ये पूरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर होम ग्राउंड रहने वाले साउथ अफ्रीका टीम के लिए। अब बात करेंगे यहाँ पर, ये सब कुछ अपडेट्स तो आपको मैंने बता दिया। अब प्लेयर्स की स्टैट्स, प्लेइंग 11 हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। अगर लिंक ओपन नहीं होता उसके लिए क्या प्रोसेस है, चलिए आपको मैं वो दिखा देता हूँ। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको जो PSL के मैचेस है उसके फाइनल टीम और यहाँ पर सब कुछ आपको वीडियो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। बस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अभी तक मैं जो वीडियोस दे रहा हूँ भाई ओनली प्रेजेंटेशन टाइप आपको वीडियो मिल रहा है। बहुत आगे चल आपको फेस कैम वीडियो आएंगे, वो आपको TV पे बड़ी स्क्रीन पर नजर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो सब कुछ भी हम लोग प्लान कर रहे हैं भाई, मतलब पूरे डिटेल से एनालिसिस रहेंगे यहाँ पर। अभी तक अगर आप बात किया जाए तो ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप पूरे मैचेस मैंने कवर किया, PSL के सारे मैचेस मैं कवर कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट जो भी मैचेस है सब कुछ मैं कवर कर रहा हूँ भाई। पहले मैं छोटा छोटा लीग कवर करता था, उस पर यहाँ पर एक बार आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तो उसमें आपको कभी विनिंग मिलता है कभी लॉस मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टैट्स सब कुछ मिलेगा और यहाँ पर हम सारे प्लेयर्स को जानते हैं। तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। अगर आपको एक अच्छा अमाउंट जीतना है तो इंटरनेशनल मैचेस पर आके खेलेंगे तभी आप जीत सकते हो। तो टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं होता उसके लिए क्या प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते 2975 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं भाई, आप भी ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना, @shatrughan225 अगर इस प्रकार सर्च करोगे तो आपको मेरे चैनल से हो जाएगा। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भाई अब यहाँ पर हम जानेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11 और स्टैट्स क्या, तो इसी प्रकार आपको बैटिंग ऑर्डर भी रहेंगे। डेन एल्गर की अगर बात किया जाए तो लास्ट 5 मैच में इनकी जो स्कोर है काफ़ी अच्छा है, 80-135, 5-26 रन बनाए भाई। ओपनिंग पे आते हैं और यहाँ पर वो कैप्टनसी से हट चुके हैं, तो टेम्बा बाउमा इज अभी कैप्टन बने भाई। तो यहाँ पर इनके लास्ट 5 मैच में अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो एक अर्धशतक इनके नाम पर। केगन पीटरसन है भाई यहाँ पर, 44 रन, 20 रन, 63 रन, टेस्ट के लिए एक बेहतरीन प्लेयर माना जाता है। एडन मारक्रम हर फॉर्मेट खेल सकते हैं भाई, T20 खेल सकते हैं, ODI खेल सकते हैं, टेस्ट भी खेल सकते हैं, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है और पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, तो ग्रैंडी के लिए प्लेयर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे टोनी डी जॉर्जी, लास्ट मैच में 18 रन बनाए, एक बेस्ट स्कोर है 88 रन यहाँ पर लास्ट 5 मैच में। हेंड्रिक्स क्लासन यहाँ पर 104 रन, उसके बाद नहीं खेले 80 रन। तो यहाँ पर हेंड्रिक्स क्लासन आपको विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे, तो आप इनको जरूर टीम पर रखिएगा। मार्को जेंसन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और ये प्लेयर को आप कैप्टन भी बना सकते हो भाई। यहाँ पर इनका टेस्ट का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है, भले अभी फॉर्म पर थोड़ा नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये हर फॉर्मेट ये भी खेल सकते
सकते हैं भाई। केशव महाराजा यहाँ पर आप देख सकते हो 28 रन 11 विकेट 6 रन 9 विकेट, तो टेस्ट में इनका बहुत अच्छा रोल है। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर है भाई यहाँ पर। उसके बाद आते हैं यहाँ पर साइमन हार्मर की बात किया जाए तो लास्ट मैच नहीं खेले, 5 रन 0 विकेट 47 रन 0 विकेट है, तो नया प्लेयर है भाई, इनको मौका मिल सकता है। खगेश्वर अपड़ा इनकी रोल सभी को पता है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, लास्ट मैच में 12 रन 3 विकेट है, तो हर मैच में ये विकेट्स ले सकते हैं। एंड्रिस नॉटिंगी 5 रन 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 10 रन 2 विकेट 2 विकेट है, हर मैच में ये विकेट ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस टीम की इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी प्लेयर्स है यहाँ पर। आपको टेम्पा बहुमा यहाँ पर टेस्ट टाइप की फॉर्मेट प्लेयर तो नहीं है, लेकिन एक रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। डीन एलगर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई, मार्को जेनसन, केशव महाराज, खगेश्वर अपड़ा, एंड्रिस नॉटिंगी, ये पांचों प्लेयर्स को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो ये रहेगा भाई साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वेस्ट इंडीज के लिए, तो वेस्ट इंडीज के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। क्राइक ब्राइट वाइट है भाई, लास्ट मैच में 23 रन और 0 विकेट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 200 भी लगाएं, 207 रन 1 विकेट है, 22 रन 1 विकेट, और इस टीम का कप्तान भी है, तो यहाँ पर इस प्लेयर को आप जरूर टीम पर रखिएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो टेग नारायण चंद्रपाल है भाई यहाँ पर, टेग नारायण चंद्रपाल की बात किया जाए, शिव नारायण चंद्रपाल के बेटे हैं भाई यहाँ पर, तो इनका भी फॉर्म बहुत अच्छा है। लास्ट मैच में भले 13 रन पे आउट हो गए, 100 लगा चुके हैं, डबल 100 लगाए भाई, 222 रन, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई। इनका बैटिंग स्टाइल भी एक डिफरेंट है, तो बहुत अच्छे खेलते हैं, तो आप इनको जरूर टीम पर रखिएगा, और ये प्लेयर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी डिजर्व करते हैं। रेमन राइफर है भाई, लास्ट मैच में 33 रन 0 विकेट 60 रन 0 विकेट इस प्रकार स्कोर है, 53 रन बनाए, तो यहाँ पर इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं जर्मनी ब्लैकवुड है भाई, 57 रन 1 विकेट 22 रन 62 रन 0 विकेट 57 रन 1 विकेट है, तो इनको भी मैं टीम पे रखूंगा, राइट हैंड बैट्समैन है। काइली मायर्स की बात किया जाए तो लास्ट मैच में 55 रन 0 विकेट 37 रन 0 विकेट 46 रन 1 विकेट 28 रन 0 विकेट इस प्रकार है। रोस्टन चेज की बात किया जाए तो 35 रन 3 विकेट है, 70 रन 1 विकेट 21 रन 2 विकेट 87 रन 1 विकेट है, तो इनका भी रोल अहम है भाई। रोस्टन चेज यहाँ पर आपको राइट हैंड बैट्समैन ऑफ स्पिन बॉलर है, तो आप इनको जरूर टीम पर रखिएगा। जैसन होल्डर की बात किया जाए तो लास्ट मैच में 89 रन 0 विकेट है, 3 रन 3 विकेट 11 रन 2 विकेट, तो इस प्रकार अगर बात किया जाए तो एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर के रूप में आप इनको यूज कर सकते हो। प्लेयर कमाल का भी है, जसवा दी सिल्वा आपको विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे, 99 44 12 100, और इसके बाद 38 रन है। ये प्लेयर आपको विकेट कीपिंग करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। अल्जेरी जोसफ राइट आर्म फास्ट बॉलर है, 5 रन 0 विकेट है, लास्ट मैच में 4 रन 2 विकेट 3 विकेट 11 रन 2 विकेट, तो ये भी हर फॉर्मेट खेल सकते हैं भाई। उसके बाद आते हैं भाई गुडाकेस मोटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट मैच नहीं खेले, 12 रन 13 विकेट 6 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, तो यहाँ पर ये अच्छा स्पिन बॉलर है भाई, आप इनको जरूर टीम पर रखिएगा। उसके बाद सैनल गैब्रियल है भाई, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, लास्ट मैच में 2 रन 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट है, तो इनका भी अगर देखा जाए तो इस टीम पर कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ पर आपको ओपनिंग पर, ये जो दोनों प्लेयर नजर आ रहे हैं भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काइली मायर्स एक अच्छा पिक है भाई, उसके बाद जैसन होल्डर, रोस्टन चेज, और यहाँ पर आपको विकेट कीपर पे तो यहाँ पर दी सिल्वा एक अच्छा रोल रहेगा इनका। उसके बाद गुडाकेस मोटी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर है, गैब्रियल भी एक अच्छे विकेट्स ले, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज टीम वीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के साथ स्ट्रांग भी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये दोनों है भाई। वेस्ट इंडीज जो लास्ट सीरीज है भाई जिम्बाब्वे से खेल के आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक वीक टीम से जीत के आ रहा है, तो यहाँ पर आपको वेस्ट इंडीज इतने भी छोटे भी टीम नहीं है भाई, आप इनको यहाँ पर कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, फाइनल टीम सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो ये रहा भाई दोनों टीम की प्लेइंग 11। उसका पता कर इन दोनों टीम के बीच हेड टू हेड की अगर बात किया जाए, साउथ अफ्रीका 20 बार जीते हैं, वेस्ट इंडीज यहाँ पर 3 बार ही जीत पाए, तो वेस्ट इंडीज के यहाँ पर बहुत वीक नजर आ रहे हैं, कंपेयर अगर हेड टू हेड में किया जाए तो साउथ अफ्रीका काफ़ी स्ट्रांग है भाई यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीम की फॉर्म, अगर साउथ अफ्रीका की बात किया जाए तो लास्ट 5 मैच में 1 मैच ड्रा हुआ, 4 मैच हारे, और वेस्ट इंडीज़ की बात किया जाए तो 2 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे, 1 मैच ड्रा हुआ, तो ये रहा भाई यहाँ पर दोनों टीम की फॉर्म। उसके बाद अगर बात किया जाए तो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ, तो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस में अगर बात किया जाए साउथ अफ्रीका जो लास्ट मैच खेले, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, ये मैच ड्रा हुआ था, तो आप देख सकते हो कितना जल्दी ऑल आउट हो गए थे भाई यहाँ पर। उसके बाद इस मैच में परफॉर्मेंस में एंड्रिस नॉटिंगी 55 रन दे के 2 विकेट लें, केशव महाराज 53 रन बनाए थे, और सैरल एरवी एक नया प्लेयर है भाई 42 रन बनाए, नॉट आउट रहे थे यहाँ पर। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के बीच में जो मैच हुआ था, वेस्ट इंडीज़ 4 रन से जीत गए थे भाई इनिंग्स को, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस मैच में गुडाकेस मोटी 7 विकेट लिए भाई पहला इनिंग में, दूसरा इनिंग में 6 विकेट इनको मिला, तो एक मैच में 13 विकेट मिले, और रोस्टन चेज यहाँ पर अद्भुत पारी खेले 70 रन की, तो ये रहा भाई यहाँ पर आपको लास्ट मैच की परफॉर्मेंस। तो ये सब कुछ तो आपने देख लिया भाई प्लेइंग स्टार्ट सब कुछ देखने के बाद, अब फाइनल टीम क्या है वो दिखाऊंगा, वो भी लाइव बना के दिखाने वाला, तो चलिए लाइव टीम बना के दिखा देता हूँ।
तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और ये जो मैच है बॉलिंग पिच है भाई, यहाँ पर गुड फॉर फेस बॉलर्स है, एवरेज को 250-260 है। तो ये पहला इनिंग का स्कोर है, तो यहाँ पर विकेट कीपिंग पे काफ़ी प्लेयर्स है, तो क्लासिन एक अच्छा पिक है। उसके बाद डीन एलगर, क्राइक ब्राइट वाइट, उसके बाद अगर बात करें तेग नारायण चंद्रपाल है, एडन मराकरम को आप यहाँ पर कन्फर्म कर लीजिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन पर यहाँ पर मार्को जेनसन, जेसन होल्डर, रोस्टन चेज को आप ले सकते हो। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर आपको काइली मायर्स भी एक अच्छा पिक आप चाहे तो ले सकते हो, कगिसो रबाडा, उसके बाद यहाँ पर एंड्रिस नॉटिगे, उसके बाद अल्जरी सबको यहां पर मैं ले रहा हूं। तो आप चाहे तो यहां पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जा सकते हो भाई, यहां पर होल्डर को अवॉइड करके आप यहां पर केशव महाराज के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और यहां पर इनका विकेट्स भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद यहां पर मोटी पे ज्यादा ध्यान रहेगा भाई, ये भी प्लेयर आपको बहुत काफी इंपॉर्टेंट नजर आएंगे, एक अच्छा विकेट्स लेने की एबिलिटी है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑटोडिक स्पिन बॉलर है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पर अगर बात किया जाए तो काफी प्लेयर्स है, तो ब्राइट वाइट को यहां पर मैं कैप्टन बनाऊंगा, और यहां पर वाइस कैप्टन पर अगर बात किया जाए तो मार्को जॉनसन के साथ में जा रहा हूं। तो ये जो टीम आप देख सकते हो, एक विकेट कीपर, चार बल्लेबाज, दो ऑलराउंडर, चार गेंदबाज है, और कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्राइक ब्राइट वाइट मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन पे मार्को जेनसन के साथ जा रहा हूँ। तो भाई ये जो टीम है, पहले इस टीम को आप सेव करके रख लेना, क्योंकि लाइनअप अनाउंस होने के बाद फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो भी होगा आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट इन ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर लेना, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना भाई, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।